अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी है कड़ी छोले, जिसे बनाना बहुत आसान है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स। नॉर्मली काले छोले तो हम बहुत कम बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं तो समझ नहीं आता कैसे बनाएं, तो इस तरीके से बनाइए। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने बेसन लेना है 2 खाने के चम्मच, जिसे हमने भून लेना है हल्की आँच पर कि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए। और नेक्स्ट पैन में हम ऑयल लेंगे 1/2 कप सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 4 से 5 टहनी, जिसे हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत सिंपल मेथड होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हमारी रेसिपी को एकदम अलग ही ट्विस्ट दे देता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भुना हुआ बेसन था वो हमने इसके साथ ही ऐड कर देना है। और इस स्टेज पे हमारी चूल्हे की आंच हल्की होनी चाहिए, ताकि कुछ भी मसाला वो जले नहीं। ठीक है जी, हम इसके साथ ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चूल्हे की आंच का थोड़ा सा ख्याल रखना है, हल्की होनी चाहिए मसाला, ताकि जले नहीं। साथ ही ऐड कर देंगे दही 1/2 कप, जो कि अच्छे से फेटा हुआ होना चाहिए। अब इसके साथ ऐड कर देंगे इमली का रस तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, हल्का सा मिक्स करना है इसे। अब इसके साथ ही ऐड कर देंगे सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस नहीं है तो आप लेमन जूस, लीमू ले सकते हैं तकरीबन 1/2, ठीक है। और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। अब जो हमारे काले छोले हैं, जिसे हमने बॉईल किया है, बॉइलिंग का मेथड मैंने आपको पहले ही रेसिपी में बताया है, वैसे आपने बॉईल करना है बिना सोढ़े के। और आलू तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में आपने आलूओं को कट करना है, बड़े साइज़ का ना होना चाहिए। और इसे आपने मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 कप के बराबर, ताकि हमने इसे ग्रेवी का टच देना है, क्योंकि कड़ी छोले हैं, हल्का सा ग्रेवी का टच होता है इसमें। और ये बहुत ही मतलब काले छोले जो मेरे पास है, वो मैंने 1 पाव लिए थे, 1 पाव मतलब 250 ग्राम के बराबर, जो कि बहुत इजीली तकरीबन आराम से इसे 8 से 10 लोग खा सकते हैं। पापड़ी मैंने वो ली है, जो रोल की पट्टी होती है उसको मैंने कट करके और फ्राई कर लिया है, वो मैंने यूज़ किया। आप कोई और भी पापड़ी ले सकते हैं, जो घर में अवेलेबल हो हमें उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। तो आई होप सो कि रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए, प्यार बांटिए। फी अमानिल्लाह।